में सरकार के द्वारा तमाम तरह के गाइडलाइन दिए गए हैं। आज भी अगर लोग रोड पर बिना मास्क के दिखते हैं तो उनसे फाइन लिया जा रहा है। इसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर लोग नहीं कर रहे हैं तो उन्हें जुर्माना भी देना पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद अगर हम ज़मीनी हकीकत की बात करें तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ धनबाद के सदर अस्पताल में, और यहाँ आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे कि आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर गंदगी फैली हुई है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर खुले में ही अब देखिए किस तरह से पीपीई किट फेंका हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर गंदगियों का अंबार लगा है, यहाँ पर खड़े होने पे ही दुर्गंध आ रही है। इसके अलावा अगर मैं उस साइड आपको दिखाना चाहूंगी, पीछे अगर आप देखेंगे तो वहां पे देखिए कि खुले में ही ग्लव्स भी फेंके गए हैं, पीपीई किट फेंका गया है, और किस तरह से गंदगी जो है डस्टबिन के बाहर आई हुई। डस्टबिन देखकर ये प्रतीत हो रहा है, लगता है कि महीनों से यहाँ पर साफ सफाई नहीं की गई है। तो अगर अस्पताल की ये स्थिति है तो हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि और जगह की क्या स्थिति रहेगी। अस्पताल जहाँ पर लोग कोविड में ठीक होने के लिए आते हैं, ये देखिए डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर धनबाद का है, लेकिन इसके बावजूद ये स्थिति अगर यहाँ पे है तो बाकी जगह पे क्या स्थिति रहेगी। जिस तरह से पीपी किट फेंका हुआ है उसके बावजूद आप देखिए कि वहाँ पर एक इंसान जो है वो सफाई कर्मी है, या फिर शायद वो प्लास्टिक चुनने के आया था, और उनसे ये कचरे की जो है सफाई की जा रही है, और बिना किसी प्रोटेक्शन के। आप देखिए सिर्फ एक मामूली सा मास्क और उसके बाद ग्लव्स लगाकर वो जिस तरह से साफ सफाई कर रहे हैं बिना किसी पीपी किट के, और वहीं पर यूज्ड पीपी किट इसके अलावा ग्लव्स फेंका गया है, तो उसकी जान को कहीं ना कहीं खतरा है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अब बताइए यहाँ कब से काम कर रहे हैं आप? क्या काम करने के लिए आए थे आप? हम कचरा चुनते हैं। कचरा चुनते हैं, तो आप यहाँ पे जिस तरह से ग्लव्स और यहाँ पे मास्क और पीपी किट फेंका है, तो आपको डर नहीं लग रहा है? ना, डर कौन सी लगेगा। किसने कहा आपको यहाँ पे काम करने के लिए? हम अपने आए। क्या मिलेगा आपको आज दिन भर काम करने का? यही सब चुन चुन के बेचते हैं जो होगा इस। तो आप यहाँ पे सफाई भी कर रहे हैं, तो सफाई करने के लिए क्या आपको दिया जाएगा? अच्छा, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि अगर आपको कोरोना हो जाता है यहाँ पे, जिस तरह से कोरोना का सामान यहाँ पे फेंका हुआ है, तो इससे खतरा हो सकता है जान का? मैडम, गरीब आदमी है, क्या करेंगे कोरोना। जी देखिए कि इनका यही कहना है कि इन्हें चंद पैसे, ये जो प्लास्टिक के जो प्लेट्स ये चुन रहे, अगर ये बेचेंगे तो इन्हें चंद पैसे इससे मिल जाएंगे, और इन्हें क्या पैसा मिलने वाला है ये भी नहीं, सही से इसका अनुमान नहीं है। जब मैंने इनसे ये जाने की कोशिश की, इन्हें डर नहीं है कि इन्हें कोरोना हो जाएगा, तो इनका यही कहना है कि गरीब आदमी है क्या हमें, क्योंकि इन्हें किसी तरह अपना जीवन बसर करना है, कमाना है और खाना है। इसके बावजूद यहाँ पर अगर हम लापरवाही की बात करें, तो देखिए कि किस तरह से अस्पताल प्रशासन की ओर से यहाँ पर लापरवाही बढ़ती जा रही है कि डस्टबिन जो है महीनों से लग रहा है कि यहाँ साफ़ सफाई नहीं की गई, चारों तरफ पीपी किट ग्लव्स हमें देखने को मिल रहा है। तो इस पूरे मामले पर अस्पताल प्रशासन को और जिले के उपायुक्त को, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि जिले के उपायुक्त को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो कोविड हेल्थ केयर सेंटर की अगर ये स्थिति है तो बाकी जगह की क्या स्थिति होगी, इस बात से ही अनुमान लगाया जा सकता है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा, प्रशासन से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है इस लापरवाही के पीछे। जी हाँ, तो इसमें है कि हमारे जो बायोमेडिकल से टाइप किया हुआ है, ये लोग एक बैग देते हैं, वो बैग में भर के दिया जाता है, तो ये मैं देखूंगा कि बैग में क्यों नहीं ये लोग भर के बाहर फेंक देता, तो हमारे जितना भी जो इसमें जिम्मेदार है उनको मैं पनिशमेंट दूंगा। ऐसे हमारे हर प्रतिदिन वो लोग आते हैं और बैग में भरा रहता है, बैग को उठा के वो लोग अपना डिस्पोज करते हैं, जिसके चलते हर बेड 7 रुपये करके मिलता है पर डे। तो मैं देखूंगा कि अगर ऐसा है तो मेरा करण करूँगा। कैंपस विक्रम के साथ मैं शाम्भवी, मिरर मीडिया, धनबाद।